कोविड-19 के ताजा हालातों को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कई लोगों ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं की शिकायत मंत्री सारंग से की। इस सब के बाद सारंग ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मरीजों के परिजनों ने अव्यवस्थाओं को लेकर मंत्री विश्वास सारंग से शिकायत की। एक मरीज के परिजन ने कहा कि मेरी पत्नी की हालत इतनी बिगड़ी कि वह वेंटिलेटर पे है। शिकायत करने पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सारंग ने प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जताई। सारंग ने कहा, उपचार को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर अब कोई लापरवाही की शिकायत आई तो संबंधित व्यक्ति कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आज हमने हमीदिया हॉस्पिटल का दौरा किया है और इस पूरे प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए हम पूरी कवायद कर रहे हैं। इलाज तो चल ही रहा है, पूरे महीने में लगभग 30,000 से 40,000 पेशेंट आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है तो निश्चित रूप से एक बड़ा पेशेंट्स को आने की स्थिति है, तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और इसीलिए आज मैंने यहाँ पर दौरा किया है। आगे और अच्छी व्यवस्था हो जाए इसकी पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।